हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैश। दोस्तों, आईपीएल 2020 में बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी काबिलियत से काफी कम परफॉर्म किया है इस बार, जिसकी वजह से उनकी टीम्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इन्होंने पहले टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था, पर इस बार इनके फ्लॉप हो जाने से इनकी टीम्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे ही हम 10 प्लेयर्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो आईपीएल 2020 में अभी तक बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं अपनी टीम्स के लिए। इस लिस्ट में हमारे पहले प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल इस बार पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने सारे मैचेज ऑलमोस्ट खेले हैं, 11 के 11 मैचेज उन्होंने खेले हैं, बट परफॉर्मेंसेज उन्होंने काफी खराब दी है अभी तक। अगर एक मैच की अगर हम बात करें, सिर्फ एक मैच में उन्होंने 30 या 32 रन बनाए थे, उसके अलावा अगर हम इनके रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत ही खराब है। हालांकि इन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग अच्छी जरूर की है, बट इनका जो मेन रोल है बैटिंग का, उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं और बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं पंजाब के लिए। और पंजाब की टीम इस वक्त वापसी करते हुए जरूर नजर आ रही है, बट अभी भी ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं चल पाया है। उन्होंने अगर हम के रिकॉर्ड्स पर डाले तो उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं जिसमें सिर्फ 102 रन बनाए हैं और 14 की एवरेज, जहाँ की स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 102 की है। तो एक मैक्सवेल की काबिलियत के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही कम है, या बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम ग्लेन मैक्सवेल की है। अगर इस लिस्ट में हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो एमएस धोनी का नाम आता है। जी हाँ, एमएस धोनी हमारे इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर है। एमएस धोनी भी इस बार बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जहाँ उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही है। इस बार अगर हम सिर्फ बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने रन्स काफी कम किए हैं, 11 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 180 रन्स किए हैं और 122 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किए हैं। अगर आप देखेंगे उनके रिकॉर्ड्स तो 25 का एवरेज रहा है उनका इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। तो हम उम्मीद करेंगे जो अगले 3 मैचेस बचे हैं, एमएस धोनी शायद अच्छा खेले अगले 3 मैचेस में, बट अभी तक उनका वो हमने जो पुराना एमएस धोनी था आईपीएल का, जो हम पुराना एमएस धोनी देखते थे आईपीएल में, खास करके आईपीएल में एमएस धोनी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जो कि वो इस बार नजर नहीं आया है। तो एमएस धोनी हमारे लिस्ट में दूसरे प्लेयर हैं। अगर हम तीसरे प्लेयर की बात करें तो वो आ जाते हैं दिनेश कार्तिक। जी हाँ, दिनेश कार्तिक भी इस बार के केकेआर के लिए फ्लॉप प्लेयर ही साबित हुए हैं अभी तक। अगर एक इनिंग की हम बात छोड़ दें, एक इनिंग जिसमें उन्होंने 58 रन्स किए थे, उसके अलावा इन्होंने किसी भी मैच में अच्छे रन्स नहीं किए हैं। अगर हम इनके रिकॉर्ड्स देखें तो उन्होंने सिर्फ 11 मैचेज में 148 रन्स ही बनाया, जो कि 14.8 के एवरेज से रन्स किए इन्होंने। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी नहीं रही है, सिर्फ 122 की स्ट्राइक रेट रही है। हालांकि दिनेश कार्तिक ने बीच टूर्नामेंट में कप्तानी भी छोड़ दी है, कप्तानी भी मॉर्गन को दे दी गई थी। तो दिनेश कार्तिक की पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं रही है इस बार अगर उनकी बैटिंग देखें तो। तो इस लिस्ट में हमारे तीसरे क्रिकेटर हैं दिनेश कार्तिक। इस लिस्ट में अगर हम अगले क्रिकेटर की बात करें तो केदार जाधव का नाम आता है। जी हाँ, केदार जाधव सबसे बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हालांकि केदार जाधव ने पहले भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर हम बात करें उनके रिकॉर्ड्स की, अगर उनके रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो 2018 का जो मैच था, 2018 का जो पहला मैच था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उस मैच में जरूर केदार जाधव ने जीत दिलाई थी सीएसके को, बट उसके बाद एक भी इनिंग इनकी इम्पैक्टफुल नहीं रही है सीएसके के लिए। तो ये एक बहुत बड़े फ्लॉप साबित होते रहे हैं पिछले 2 साल से, और इस बार तो उन्होंने पूरा ही कबाड़ा कर दिया सीएसके टीम का। और 8 मैचेज में सिर्फ 62 रन बनाए इन्होंने और 93 की स्ट्राइक रेट रही है, जो कि एक बॉलर की भी नहीं होती है। जी हाँ, 93 के स्ट्राइक रेट से केदार जाधव ने रन्स किए हैं। तो जाधव बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं 2020 के आईपीएल में। अगर हम पांचवें क्रिकेटर की बात करें इस लिस्ट में तो आरन फिंच का नाम आ जाता है। जी हाँ, आरन फिंच ने भी इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जिस तरह का उनका नाम है, जिस तरह से उन पे पैसा खर्च किया था आरसीबी की टीम ने, आरसीबी के मैनेजमेंट ने, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। हालांकि मौके इनको अच्छे दिए हैं आरसीबी ने 10 के 10 मैचेस इन्हें खिलाए हैं, किसी भी मैच में ड्रॉप नहीं किया है, बट इम्पैक्टफुल इनिंग बहुत ही कम देखने को मिली है आयरन फिंच के द्वारा। आयरन फिंच ने सिर्फ एक ही 50 जड़ी है अभी तक, 52 रन्स की इनिंग्स खेली थी और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही खराब रहा है, 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं आयरन फिंच इस बार। तो आयरन फिंच से भी उम्मीदें होंगी कि अगले 4 मैचेज में एटलीस्ट अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे रन्स नहीं किए हैं इस बार आरसीबी के लिए। हालांकि आरसीबी की टीम इस बार प्लेऑफ की दौड़ के लिए काफी आगे है, तो आरसीबी की टीम को खासा नुकसान नहीं हुआ है, बट आयरन फिंच की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी नहीं रही है। इस लिस्ट में अगर हम छठे क्रिकेटर की बात करें तो शेन वॉटसन का नाम आता है। जी हां, शेन वॉटसन भी इस बार सीएसके के लिए एक फ्लॉप साबित
प्रभावित हुए हैं। शेन वॉटसन ने हालांकि 2018 और 2019 के आईपीएल में सीएसके के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और अकेले ही अपने दम पे उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं सीएसके को, बट इस बार उनसे काफी उम्मीदें थी और उनके नहीं चलने की वजह से सीएसके की टीम आप देख सकते हैं 8वें पे है इस बार। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है कि शेन वॉटसन नहीं चले। जी हां, शेन वॉटसन एक तरह से इनके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे। शेन वॉटसन के नहीं चलने की वजह से सीएसके की हालत ऐसी हो गई है कि वो नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। और अगर हम देखें तो शेन वॉटसन ने बहुत ही खराब परफॉर्म नहीं किया है, बट शेन वॉटसन ने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरह से उनको जाना जाता है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 सालों में परफॉर्म किया था उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो उस लेवल को अगर हम देखें तो इस बार शेन वॉटसन का लेवल काफी कम हो गया है। 10 मैचेस में उन्होंने 285 रन जरूर किए हैं, बट उस तरह के स्कोर नहीं बनाए हैं, उन्हें इम्पैक्टफुल इनिंग उस तरह के नहीं खेली है, जो कि सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस लिस्ट में अगर हम 7वें क्रिकेटर की बात करें तो वो है आंद्रे रसल। जी हाँ, आंद्रे रसल भी इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आंद्रे रसल बहुत ही बड़े फ्लॉप साबित हुए बैटिंग में केकेआर के लिए, और केकेआर की जो एक रीढ़ की हड्डी माने जाते थे आंद्रे रसल, तो इस बार बैटिंग में वो जलवा नहीं दिख पाया आंद्रे रसल का। पिछले साल तो इन्होंने 4-5 मैच अकेले ही जितवा दिए थे जो कि इम्पॉसिबल विंस थे, वो आंद्रे रसल ने अपने दम पर मोड़ दिया था केकेआर की तरफ। बट इस बार आंद्रे रसल 9 मैचेज में सिर्फ और सिर्फ 92 रन बना पाए हैं 11 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट भी इनकी काफी कम हो गई है, सिर्फ 131 की स्ट्राइक रेट रही है इस बार की आईपीएल में, जो कि आंद्रे रसल हमेशा से ही 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते आ रहे हैं। तो इस बार आंद्रे रसल एक तरह से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं केकेआर के लिए। हालांकि इंजरी की वजह से भी बाहर हो गए हैं वो टीम से, तो ये एक बहुत बड़ा झटका भी है केकेआर के लिए। तो ये है हमारे 7वें प्लेयर जो कि इस लिस्ट में हमने शामिल किया है फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में आईपीएल 2020 की। अगर हम प्लेयर की बात करें इस लिस्ट में तो वो भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हैं। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा की हम बात कर रहे हैं। रॉबिन उथप्पा इस बार बहुत ही फ्लॉप साबित हुए हैं। एक रीजन इसका ये भी माना जा रहा है कि रॉबिन उथप्पा की जो प्लेइंग जो पोजीशन है वो काफी छेड़छाड़ हुई है राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। कभी 5वें पे भेज दिया गया है, कभी 6ठे पे भेज दिया गया है। एक तरह से जो इनकी ओपनिंग पोजीशन है जहाँ पे वो केकेआर के लिए सबसे बेस्ट दिया करते थे, वहां पे इन्हें कंटिन्यूअसली नहीं खिलाया गया है, उसकी वजह से भी इनकी परफॉर्मेंसेज खराब रही है। बट ऑल इन ऑल इनकी परफॉर्मेंसेज भी काफी खराब रही है। 9 मैचेज इन्होंने खेले हैं और 147 रन किए हैं, जो कि सिर्फ 16 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी 114 का है सिर्फ। तो एक तरह से रॉबिन उथप्पा भी आरआर के लिए फ्लॉप साबित हुए हैं। तो ये थी उन प्लेयर्स की लिस्ट जिन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है, जिनसे उम्मीदें ज़्यादा थी टीम को, और परफॉर्मेंसेज इनकी बहुत ही कम रही है और उसकी वजह से टीम को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस की है, जिनसे हमें उम्मीदें भी थी। जैसे कुछ यंग प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो पृथ्वी शॉ उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं दी है जिस तरह की हमें उनसे उम्मीदें थी टॉप ऑर्डर में। उनके अलावा उनादकर और उमेश यादव भी इस बार फिर से फ्लॉप हुए हैं, तो वो लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं आईपीएल की अगर हम बात करें तो। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इस बार आईपीएल 2020 में चल नहीं पाए हैं, पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। आपको क्या लगता है और कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि फ्लॉप हो गए हैं इस बार? हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं बाकी बचे हुए 3-4 मैचेज में अच्छा परफॉर्म करें और अपना नाम इस लिस्ट से हटा लें, आईपीएल 2020 के फ्लॉप लिस्ट से अपना नाम हटा लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।